अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको आलू गोश्त बनाने की रेसिपी दूंगी। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने ये लैम का मीट लिया है, तकरीबन ये हाफ किलो के करीब मेरे पास लैम का मीट है। तो उसके बाद ये मैंने तकरीबन इसके अंदर डालने के लिए चार आलू लिए हैं, दो नॉर्मल साइज के मैंने ऑनियन लिया है, एक टमाटर है और ये कोरिएंडर, ये जिंजर एंड गार्लिक है मेरे पास साबुत। और फिर इसके बाद ये मेरे पास सॉल्ट है, ये टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर है और ये मैंने योगर्ट ली है और ये जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर मैंने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून के करीब यूज करूंगी। हाफ टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, ठीक है। योगर्ट मैंने 2 टेबल स्पून लिए है। तो अब हमने ये करना है कि ऑनियन को स्लाइस करके, तो आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ कि कैसे आलू गोश्त बनाते हैं। तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसको तेज आग पर भून लें इसको अच्छी तरह से, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जब हम इसको मीट को गल जाएगा तो फिर उसके बाद दोबारा हम मसाले डालेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, तो उसके बाद भी इसको भून लें। तो देखिए बस इसको हमने इसका कलर चेंज करना है, बिल्कुल इसको हमने फुली कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड करेंगे तो फिर इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे। मेरे देखने वालों में से वो लोग जो कि प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते, वो आप ऐसा करें कि ये सारा मसाला इस तरह जितना मैंने अभी आपको ये मसाला बताया, आप इसका डाल के आप इसको हल्की आग पे तकरीबन गोश्त गलने तक पकाएं, ताकि आपका मीट जो है वो अच्छी तरह जब गल जाए तो फिर आप बाकी मसाले डाल के इसके अंदर, तो आप इसकी भुनाई कर लें और साथ साथ पानी डाल के फिर आलू डालने हैं इसके अंदर। आलू भी आप इतनी देर में छील के रख लें, टमाटर काट लें, धनिया वगैरह जितनी देर तक आप इसको प्रेशर कुकर लेंगे। देखिए तो अब इसका कलर जो है अच्छे तरीके से वो चेंज हो चुका है। इस सूरत में हम इसके अंदर 2 कप तकरीबन मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, क्योंकि सबका सेपरेट सेपरेट हिसाब होता है, सबके पास अलहदा अलहदा एक ही ब्रांड की चीज़ें नहीं होती। आपको इतना आइडिया होता है कि कितनी देर का आपने इसको प्रेशर कुकर लगाना है, जो कि आपका मीट अच्छी तरह से उसमें गल जाएगा और सही तरह कुक हो जाएगा। तो मेरे पास जो ये प्रेशर कुकर है, मैं इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट का इसको प्रेशर दूंगी, क्योंकि मैंने इसको फुली कुक नहीं करना, थोड़ा सा इसमें असर रहना चाहिए, ताकि जब हम मसाले डालें सारे, बाद में पानी डालें, टमाटर, योगर्ट, तो वो पानी छोड़ेगा, तो फिर उसमें भी ये जो मीट है वो कुक होगा। तो आइए अब मैं इसको प्रेशर कुकर लगाती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने इसको प्रेशर कुकर में देखे हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही कुक कर लिया है, क्योंकि अभी इसके अंदर पानी है, तो हम दूसरे मसाले डाल के तो इसको फुल कुक करेंगे, ठीक है। ये टमाटर जो मैंने आपको बताए थे, ये भी सारा इसके अंदर डाल देना है, और जो ये मसाले थे ये भी डाल देने हैं सारे, और ये जिंजर ये भी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल के, तो आप इसका जो पानी है वो आप ड्राई कर लें।
तो ये तकरीबन देखे पानी जो है हाफ हमारा सारा इसका ड्राई हो चुका है। अब मीट को अब हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। तो जब इतना सा पानी बाकी रह जाता है तो अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे और साथ दोनों को इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। देखिए कितना खूबसूरत कलर आलू गोश्त का निकला है। जब आपने इसके अंदर आलू डाल दिए तो फिर अब हम इसके अंदर जो मैंने आपको दही बताई थी 2 टेबलस्पून ये आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और बस इसका पानी ड्राई होने दें और इसको खुश होने दें अच्छे तरीके से। तो आप देखें कि ये हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून गया है। ये देखें जब ऑयल छोड़ने लगे आपका मसाला तो समझे कि ये बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको भुनेंगे उतने ही मज़े का ये आपका आलू गोश रेडी होगा। बस अब आप इस सूरत में हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर गरम करके पानी डालूंगी। इतना हम पानी बस डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये पानी बॉइल हो चुका है तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसके जो आलू हमने डाले थे वो बस अब अभी हम इसको कुक करेंगे, कम्प्लीटली कुक करेंगे ताकि ये कच्चे ना रह जाए। जितना आपने शोरबा रखना है आलू गोश्त में बस आप उतना इसको इसके अंदर पानी डालें, एक्स्ट्रा पानी मत डालें। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे फिर बाद में ड्राई करना भी मुश्किल हो जाता है। अब मैं इसको हल्की आग पे रखूंगी ताकि आलू हमारे फुली कुक हो जाए। हाँ जी, तो हमारा ये आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। आलू वगैरह भी सब गल गए हैं, हर चीज मैंने रेडी कर दी है। अब इसके बाद मैं ये धनिया की इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी, ग्रीन कोरिएंडर। इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है आलू गोश्त के अंदर। इस तरह से इसको आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको बस ढक के रख दे ताकि अच्छी तरह से आलू गोश्त का जो ऊपर ऑयल निकलता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। खाली वाइट वाइट शक्ल जो है उसकी अच्छी नहीं लगेगी। बस 2 मिनट के लिए आपने इसको बंद करके इसको रख देना है। तो आज मैं आपको जो टिप बताने जा रही हूँ वो खास तौर पे लेडीज के लिए है क्योंकि हमारे लेडीज जो फाउंडेशन यूज करती हैं उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि हम फाउंडेशन जब भी अप्लाई करें तो हमारा फेस ड्राई हो जाता है। एक तो ड्राइनेस दूर करने के लिए आपने फर्स्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करनी है फाउंडेशन लगाने से पहले, तो आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। और उसके बाद आपने ये करना है कि किसी भी शॉप से, आप ब्यूटी शॉप से प्राइमर मिलता है फेस पे लगाने के लिए, वो हमेशा फाउंडेशन से पहले अप्लाई करते हैं। अगर वो प्राइमर आप फेस के ऊपर लगाकर अपना फाउंडेशन अप्लाई करेंगी तो उससे एक ये है कि जो फाउंडेशन लगाने के बाद फौरन रिंकल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, वो रिंकल्स भी आपके छुप जाएंगे, बिल्कुल नजर नहीं आएंगे और फिर आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और ऐसे नजर आएगी कि आपने फाउंडेशन अप्लाई ही नहीं किया हुआ। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा मेरा ये टिप क्योंकि खासतौर पर लेडीज के लिए ये बहुत ही कारामद टिप है। ठीक है नाज़रीन, तो हमारा आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देखें कि इसका ऑयल भी अच्छे तरीके से निकल आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा आलू गोश्त